मैं नजर करूं जान जिगर कैसा लगेगा, मैं कैसा लगूंगा मेरा घर कैसा लगेगा, मैं नजर करूं जान जिगर कैसा लगेगा, मैं कैसा लगूंगा मेरा घर कैसा लगेगा, रख दूधर सरकार के सर कैसा लगेगा, रख दूधर सरकार के सर कैसा लगेगा, मैं कैसा लगूंगा मेरा घर कैसा लगेगा। चलिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, वास्तविक संख्या, ये नहीं पढ़ रहे, बहुपद पढ़ेंगे। बहुपद में को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीनोमियल, फिर दूसरे हैं जी पॉलीनोमियल। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले बहुपद आप नाइन्थ क्लास में जो पढ़े थोड़ा सा उसको हम लोग याद कर लेते हैं। वहां पढ़े थे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद का एक मानक रूप है। पढ़े थे अभी आपको द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद भी है। द्विघात बहुपद ज्यादा मैट्रिक क्लास में पूछा जाता है, त्रिघात बहुपद केवल नाम मात्र ऐसे दे दिया, उसमें स्टार देकर के नीचे वर्णन क्या है ये परीक्षा की दृष्टिकोण से नहीं है, ठीक ना। द्विघात बहुपद मेन है जो आपके सिलेबस में है और जो पूछा जाएगा, ठीक ना। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये होता है कि जैसे कि हम यहाँ ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन, एक एग्जांपल लिए, इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ कोई भी चर होगा और उसके साथ कुछ गुणांक होगा, जैसे यहाँ गुणा में क्या छिपा है, ए का मान एक हो गया, ये यहाँ चर रहेगा इसके साथ कुछ गुणांक मिलेगा, यहाँ गुणांक में क्या मतलब बी का मान सात हो गया, ठीक ना। और यहाँ अचर पद रहेगा और अचर पद को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, मतलब सी का मान क्या हो गया, दस हो गया। और वेरिएबल कौन है, यहाँ एक्स है लेकिन क्वेश्चन में भी संयोग से एक्स है, ऐसा भी हो सकता है वाई स्क्वायर प्लस सेवन वाई प्लस टेन, ये किया, ये भी बहुपद का उदाहरण है, लेकिन ये क्या, इसका मानक रूप ये कहलाएगा, हाँ कहलाएगा, क्यों नहीं कहलाएगा, एक एक्स एक तो चर लेके दिखा दिया है, मतलब यहाँ कुछ चर होगा, एक्स दिया है तो एक्स ही नहीं होगा, कुछ भी चर होगा, बात समझ रहे हैं। एबीसी है मतलब एबीसी ही नहीं रहेगा, कोई भी डिजिट रहेगा, समझ रहे हैं बात। तो इसमें क्या होता है कि बहुपद का इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रश्नावली कितना है जी, दो प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे। 2.2 में क्या है वो मैं बता रहा हूँ, पहले अभी इसका अंदर नहीं जा रहा हूँ, इसके पहले मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन में क्या होता है, पूरा बहुपद को शून्य करने के लिए क्या वाई का मान रखेंगे, वाई का कुछ ऐसा मान होगा जो रखेंगे तो बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य, और उसको बहुपद का शून्यक कहते हैं, बात समझ रहे हैं। तो वाई का मान क्या रखेंगे, तो ये तो हम कहते हैं बहुपद पूरा शून्य करना है, तो पहले बहुपद के बहुपद को ही शून्य कर देते हैं, क्या कर देंगे कि शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, के लिए वाई स्क्वायर प्लस सेवन वाई प्लस टेन बराबर शून्य कर देते हैं। अब जो मान निकलेगा वो वाई का ऐसा ही मान निकलेगा जो शून्य होगा ही, क्योंकि शून्य से मान निकालेंगे। तो इसका गुणनखंड अगर याद करते हैं आप नाइन्थ एट क्लास, वाई स्क्वायर प्लस बीज ब्लॉक माध्य पद विभक्त करते हैं, ऐसा कि किनारे ब्लॉक गुणनफल के बराबर गुणनफल हो जाए, जोड़े घटा दिए आ जाए, जी सर। तो अगर हम फाइव वाई प्लस टू वाई लिखते हैं तो जोड़ के ये आ जाएगा, गुणा करके पांच दुनी दस, किनारे ब्लॉक गुणनफल के बराबर आ गया ना, जी सर। अब क्या होगा, वाई टू वाई प्लस फाइव, ये भी y प्लस फाइव यहाँ हो जाएगा, तो मान क्या देगा, टू वाई प्लस टू बराबर जीरो, y प्लस फाइव वाई प्लस टू बराबर जीरो। अब यही लिखते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ, दोनों गुना करके जीरो करना चाहिए, और हम जानते हैं ब्रह्मांड में कहाँ, ब्रह्मांड में कोई भी संख्या अगर गुना करके जीरो हो रहा है तो उसमें से एक तो जीरो जरूर होगा। अब देखिए कोई भी उदाहरण, दो संख्या अगर गुना करके जीरो हो रहा है तो उसमें से एक तो क्या होगा, जीरो। ऐसा कोई संख्या नॉन जीरो संख्या नहीं है जिसको गुना करके जीरो आ जाए, जैसे सत्रह गुना कुछ है और गुना करके कितना आया, जीरो, तो ये भी जीरो होगा, यस सर। या इधर क्या नहीं जानते, इधर 231 है ये जान रहे, बराबर जीरो होगा, तो ये तो क्या जीरो।
तब ये दोनों जब गुणा करके जीरो आ रहा है कोई ना कोई एक जीरो होगा, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। बात समझिएगा, ये क्यों यहाँ हम क्यों ले लेते हैं इसको जीरो और इसको जीरो, इसलिए कि दो संख्या का गुणनफल अगर जीरो दिख रहा है तो निश्चित रूप से मेरे दोनों में से कोई ना कोई जीरो है। तो कौन है, तो मान लेते हैं यदि यदि y प्लस फाइव बराबर जीरो हो तो y कितना निकल जाएगा, माइनस फाइव निकल जाएगा ना। जी सर। और वो कहता है ये तो क्यों जीरो लिया, ये जीरो नहीं हो सकता क्या, क्या ये आप जीरो क्यों, ये भी तो जीरो हो सकता है। तो वही कहते हैं यदि y प्लस टू बराबर जीरो तो अर्थात शून्यक, ये जो मान निकला इसको क्या बोलते हैं, शून्यक हल मूल। सुनिए क्या जरा सा, इतना को शून्य करके दो मान निकाल दिया, y का दो मान निकला, y बराबर निकला माइनस पांच और y बराबर क्या निकला माइनस दो। इन दोनों को क्या कहेंगे, y का जो मान निकला इसको क्या कहेंगे, समीकरण का शून्य। मतलब इस समीकरण में दोनों को रखेंगे, माइनस पांच भी रखेंगे तो ये शून्य हो जाएगा, y भी रख देंगे y के जगह पूरा समीकरण शून्य हो जाएगा, इसलिए इसका नाम है शून्य। बात बुझे, हल करके निकाला है इसलिए इसको हल भी कहते हैं। बात बुझे, हल करके निकालते हैं इसलिए इसको हल भी कहते हैं, और रूढ़ विधि से निकालते हैं इसलिए इसको मूल भी कहते हैं। रूढ़ विधि भी होता है ठीक ना, इसको मूल भी कहते हैं, इसको हल भी कहते हैं, इसको शून्यक भी कहते हैं, आपको याद रखना है, सॉल्यूशन भी कहते हैं। अब ये समीकरण का शून्यक उसको क्यों कहते, समझ में आया, समीकरण को शून्य कर देगा वो मान, जो है ऐसा मान है इसमें रख देंगे तो पूरे समीकरण शून्य कर देगा। आप जान सकते हैं मन नहीं मन, माइनस पांच रखिए, माइनस पांच पर स्क्वायर पच्चीस हुआ, सात गुना माइनस पांच माइनस पैंतीस हुआ प्लस दस, अब प्लस पच्चीस प्लस दस माइनस पैंतीस हुआ प्लस पच्चीस पैंतीस हुआ यहाँ माइनस पैंतीस जीरो, माइनस दो रखे माइनस दो पर स्क्वायर चार हो जाएगा, चार दस चौदह हो गया, प्लस में चौदह रहने दो, सात गुना माइनस दो माइनस चौदह प्लस चौदह, कोई दिक्कत नहीं, शून्य हो जा रहा है ना, क्योंकि इसको ये शून्य कर देता है, इसको कैपेसिटी है इसको शून्य कर देगा, इसलिए इसका नाम क्या है। आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहाँ बनेगा, किसी भी समीकरण के हल को क्या कर सकते हैं, ऑप्शन दे देगा मूल हल शून्य इनमें से सभी, तो दोहरा उड़ जाएगा ना। चलिए अब जरा सा साफ कर, तो इस बहुपद का शून्य कितना कितना निकला था, अब ध्यान दीजिएगा ये तो बहुपद का शून्य है, इसको अल्फा और बीटा से भी सूचित कर देता है, कोई भी द्विघात बहुपद का दो शून्य, त्रिघात बहुपद का तीन शून्य, चतुर्घात बहुपद का चार शून्य, रैखिक बहुपद का एक शून्य, कोई दिक्कत इसमें, इसको अल्फा भी कहा जाता है इसको बीटा कहा जाता है, किसी को अल्फा किसी को बीटा माना हुआ है, मान लो कि हल जो है अल्फा बीटा का रहा है। और ध्यान दीजिए इस बहुपद का मानक रूप क्या मैं बताया था, इसको कहते हैं अचर पद, क्या कहते हैं, नाइन्थ क्लास याद कीजिए, इसको कहते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, ए, इसमें वाई स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, इसको कहते हैं एक्स का गुणांक बी, और इसको कहते हैं अचर पद, अचर पद, अचर पद क्या है, सी, कोई दिक्कत नहीं। अब इस मानक रूप से, मानक रूप से इस पे भी क्वेश्चन बनता है, रहेगा निम्न में से कौन द्विघात बहुपद का मानक रूप है, चार तो दे देगा ऑप्शन। बात बुझे, देखिए एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पहले इस तरह मैं बता दूं, निम्न में से कौन द्विघात बहुपद का मानक रूप है, नंबर ए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, नंबर दो ए एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स, नंबर तीन ए एक्स स्क्वायर, नंबर चार बी एक्स प्लस सी, ऑप्शन में दे दिया एक, केवल एक, केवल एक, नंबर दो दे दिया केवल
दो और चार नंबर तीन दे दिया, केवल दो और तीन नंबर चार दे दिया, केवल चार बोल चार कौन होगा? कोई नहीं, कोई नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी होगा और ये भी होगा जी, क्योंकि स्क्वायर मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए, इसलिए बोला मैं पिछले क्लास याद दिला रहा हूँ। तो क्या है कि आप इसको नहीं पकड़ पाए, एक्चुअल में यहाँ आपका एक कंडीशन था, याद कीजिए, ये तो हो लेकिन ध्यान रहे केवल a इक्वल टू नॉट जीरो था, ये बहुत बड़ा बाउंड्री होता और इसी पर बच्चा ध्यान नहीं देता है। क्या बोलता है, बोलता है इसको छोड़ो कुछ नहीं है, यही सब कुछ है ठीक ना, क्योंकि ये बता रहा है कि पहला गुणांक केवल जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी तब इसका मतलब है बी जीरो हो जाए सी जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब आते अगर बी जीरो होता तो क्या होता, एक्स स्क्वायर जोड़ जीरो गुना एक्स जोड़ सी, इसको हम लिख सकते थे एक्स स्क्वायर जोड़ सी, ये बेटा गया तो ये भी द्विघात रूप का रूप है, क्योंकि इसका रूल ही बता रहा है केवल ए जीरो नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर जोड़ बी रहने देते हैं, सी का मान जीरो कर दो, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स, यस सर, ये भी तो द्विघात रूप का रूप है, क्या रूल बता रहा है, ध्यान देना, ए भी दोनों जीरो कर दो, एक्स स्क्वायर जोड़ जीरो गुना एक्स जोड़ जीरो, नतीजा ये भी जीरो जीरो खत्म, ये भी तो द्विघात बहुपद का रूप है, ये सब द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का रूप है और ये भी रूप है, बोलो ये आया, यस सर। तो चार तरह से इसको हम लिख दिए, द्विघात बहुपद में केवल ए भाग जीरो ना हो, अगर कहिए सर ए जीरो हो जाता तो क्या होता, क्या होता देखते ना, यहाँ जीरो एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स जोड़ सी, यही बट्टा जीरो हो गया, बी एक्स प्लस सी, नतीजा क्या था, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, बहुपद का प्रकार ये बदल जाएगा, इसलिए ए जीरो नहीं होना चाहिए, समझ में आया। अब मैं आपको डीपली ले गया ठीक ना, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता दिया कि आप रेलवे बैंकिंग एसएससी जहां बैठेगा दिलीप कुमार को नहीं याद किया तो मेरे नाम से कुत्ता आप पूछ सकते, चलिए स्टॉप मिट ऑफ, फिर मैं उसी क्वेश्चन पर आता हूं, वाई स्क्वायर प्लस सेवन वाई प्लस टेन, इसका हल कितना निकला था, माइनस फाइव निकला ना, यस सर। अब ध्यान दीजिएगा, एक ट्रीटमेंट है कि इसको तो शून्य कहते हैं जी, गंदी बात गप कर रही हो, गलत बात है ये, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, दोनों को गुणा कर देंगे तो क्या होगा, क्या कुछ होगा, देखो मैं जरा, इसको मैं क्या बताया था, अल्फा मान लिया जाता है और इसको बीटा मान लिया जाता है, अल्फा गुना बीटा, देखिए करके अल्फा का मान कितना है, माइनस पांच, बीटा का मान कितना है, माइनस दो, हो जाएगा माइनस दस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जोड़ लो दस हो गया, दस हो गया, क्या ये जो गुणांक है एक सात और दस गुणांक ना है, इसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो गया एक्स का गुणांक, यहाँ हुआ है ना, मानक रूप को समझा रहे हैं, एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स जोड़ सी से ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक किसको कहते हैं, एक्स का गुणांक इस जगह का मान को कहते हैं और अचर पद इसको कहते हैं, वेरिएबल वाई है तो वाई लेकर के करेंगे ना, तो हम देख रहे हैं यहाँ अचर पद दिखने लगा, क्या दिखने लगा, और नीचे नहीं कुछ है, एक तो दिखा सकते हैं, ये तो आ गया सी और इस जगह दिखने लगा कौन ए, इसका मतलब है मूलों का गुणनफल कर देंगे सी बटे ये होना चाहिए, तो हम कहेगा कि इस समीकरण का जो मूल है, मूल मतलब जो हल निकलेगा उसका गुणनफल क्या होगा, हमको हल करने की जरूरत नहीं है, यही सब उत्तर सी बटे कर देंगे, बात समझ आएगा कि इसको हल करेंगे, हल करके गुना करेंगे, फिर गुना करके बताएंगे माइनस पांच गुना माइनस दो बराबर दस होगा और मौज पिजा लगा बना दिया हमें, और कोई बच्चा जो इसको पहले सरल करके देख लेगा, अरे मूलों का गुणनफल तो जो निकलता है बेटा, इसको रख दो इसको रख दो ऊपर यही दिख जाएगा, मैं दस बटे एक कर देंगे सीधे, हम क्यों इतना झंझट पर फंस जाएंगे, तो इसलिए इसको सूत्र बना दिया, मूलों का गुणनफल बराबर सी बटे ए डायरेक्ट कर दो, मूल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बात मुझे कहिए सर, इस समीकरण में होगा क्या, सब समीकरण में होगा, अभी मैं एक आध करोड़ समीकरण देकर समझाऊंगा, एक करोड़ समीकरण तुरंत देख समझाऊंगा, पहले ये समझे, आप समझिए और आगे क्या होगा, क्या इसको जोड़ में इसको फायदा है, देखें अल्फा प्लस सीटा अगर कर दें तो माइनस पांच और प्लस हो जाएगा माइनस दो, जोड़ते हैं तो माइनस सात हो गया,
को फायदा होगा क्या बटे में एक दिखेगा। अगर हम माइनस को अलग कर दें सात और एक ऐसे लिखते हैं तो केवल सात कौन है किसी का सात है बी के स्थान पर ना, तो अगर हम इसको बी कर दें माइनस दिख रहा है अब बटे में कौन दिख रहा है हाँ यानी कि कहेगा कि इस समीकरण को हल करें एवं मूलों का योगफल ज्ञात करें। तो अब आप हल करते हल करके मूल निकालते मूल निकाल के दोनों को जोड़ते जोड़ के बताते माइनस सात उत्तर होगा। हाँ से तो धर्मेंद्र मौज पीजेला डायरेक्ट मैंने तो कहिए माइनस बी बटे पूजा ने कहा माइनस एक लगा देना बी का मान जो है सात रख दो और ए का मान जो है वो मार देता वो पहले छक्का मार के आगे निकल जाता ना। तो क्यों वो कर लेता क्योंकि उस ट्रिक को जान चुका है कि जो योग करके जो निकलेगा वो वही निकलेगा जो डायरेक्ट हम यहाँ को नाम से भी निकाल सकते हैं कि माइनस चिन्ह रख देना और बी का मान रख देना ए का मान नीचे रख देना माइनस बी बटे ए वही चीज हो गया ना। तो इसीलिए एक सूत्र निकल गया कि मूलों का गुणनफल जो है सी बटे ए हो जाता है और मूलों का योगफल जो है माइनस बी बटे ए। कोई दिक्कत नहीं सर। एक्चुअल में जांच करके देखा है भिन्न भिन्न हिसाब लेके जांचा तो देखा सब में यही आ रहा है। जैसे मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं देखो अब बात है क्या ये बहुपद और समीकरण शब्द आता है बार बार आ रहा है कभी मैं द्विघात बहुपद बोल दे रहा हूँ कभी द्विघात समीकरण बोल दे रहा हूँ। एक्चुअल में जैसे इतना बराबर हम जीरो किए तो बराबर जैसे बीच में आया वो समीकरण कहलाएगा ठीक ना। और जब बराबर में कुछ नहीं है इस रूप में सीधे है ये हो जाएगा बहुपद ठीक ना। और ये जो है द्विघात बहुपद का रूप है ये क्या है द्विघात बहुपद बहुपद का रूप है। और जब इतना बराबर जीरो अगर लिख देते हैं तब क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण का मानक रूप हो जाएगा। अंतर इतने और कुछ अंतर नहीं है ठीक ना। तो एक्चुअल में कोई भी द्विघात बहुपद का सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब द्विघात बहुपद को समीकरण में बदलना पड़ेगा ठीक ना। इसलिए द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में बहुत बड़ा अंतर नहीं होगा। जब बहुपद का सॉल्यूशन आप निकालेंगे बगैर समीकरण में बदले कभी वो नहीं निकलेगा सॉल्यूशन ठीक बहुपद समीकरण में पड़ता है। समय ओवर हो गया तो ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा यदि मूलों का योगफल चार और मूलों का गुणनफल तीन बटे सात हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। क्या निकालना है द्विघात बहुपद निकालना है। तो दिया क्या है मूलों का योगफल दिया है अर्थात ऐसे लिखेंगे हल दिया है क्या दिया है इसको लिख देना है एवं और क्या दिया है मूलों का गुणनफल दिया है मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुणा कितना दिया है। इसमें आपको जरा सा सावधानी ये बरतनी है अगर दोनों का हर एक ही है तो कोई टेंशन नहीं है अगर एक नहीं है दोनों का हर एक करना है आपको सबसे बस एक ही कंडीशन है ठीक ना। हर अगर दोनों में कुछ नहीं तो एक पर कट कर देंगे तब तो एक है। और अगर हर अलग अलग हो जाए सबसे पहले हर बराबर कर देना है जैसे यहाँ एक कर देंगे सात है इसमें सात बटे सात से गुना भाग कर दो तो गुना भाग करने से अंतर नहीं है बड़ा फुलाना हुआ अंश और हर दोनों में अगर गुना आप समान चीज से करते तो क्या हुआ केवल हमको फुलाना है धोखा देना और कुछ नहीं करना है सच्चो के साथ एक है बस। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस टू बटे और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। इसलिए ए बराबर सात। एक्चुअल में यहाँ भी थोड़ा सा परेशानी है ठीक ना बहुपद जब निकालेगा ऐसे सब में के रहेगा बात है ना सब में क्या रहेगा के। आप यहाँ इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि ए का मान सात है बल्कि कुछ ना कुछ होगा हो सकता है इकट आया हुआ हो बात है ना। अच्छा डबल कंसेप्ट में समझाता हूँ अभी आप ले लीजिए डायरेक्ट ए बराबर ए बराबर सात और माइनस बी बराबर कितना ले लेंगे माइनस बी बराबर अर्थात बी बराबर कितना हो जाएगा माइनस अट्ठाईस। अरे मर्दे माइनस बी बराबर अट्ठाईस आया तो खाली बी बराबर माइनस अट्ठाईस उसके बाद सी बराबर कितना है कितना तीन। अब ए बी सी मिल गया द्विघात बहुपद कितना हो जाएगा इसलिए द्विघात बहुपद क्या होता है ए एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स जोड़ सी होता है ना। तो ए की जगह हम क्या ले लेंगे सात एक्स स्क्वायर जोड़ बी के जगह क्या ले माइनस अट्ठाईस माइनस अट्ठाईस एक्स प्लस सी की जगह क्या ले लेंगे ये आंसर हो गया।
समझ आया? यस सर। लेकिन लेकिन इसको 100% सही नहीं कह सकते, समझे? क्यों? क्योंकि ये जो 3/7 है, हो सकता है यहाँ 30/70 हो, ये भी तो हो सकता है, वो भी देखी चीज है। हो सकता है यहाँ 300/700 हो, इसको कटो देखो 3/7 में दिख रहा है, 100 कटा दी, कुछ भी नहीं हो सकता है। यहाँ भी ये 28 क्यों, 280/70 होगा, इसको कटा दो, सचो क्या 28 चार फिर दिखने लगा। तो रियल क्या है कौन जानेगा, ना मेरा बाबूजी जानता है ना आप लोग का बाबूजी पता है क्या रियल क्या हुआ होगा। किसी ने किसी से कटाया हो, ये भी तो हो सकता है। तो जो कटाया होगा जिस स्थिति, इसीलिए बोलते हैं मान लो सबको कैसे कटा दिया है, तो जो भी हमारा आया था 28/7 था ना, इसमें क्या करेंगे केस शामिल कर देंगे, इसमें भी केस शामिल कर देंगे। और यहाँ जो है आया था कितना रे 3/7 था ना, जरा सा मिटाने वाला सब क्या ना, यहाँ जो है हम के लगा देंगे, के लगा देंगे। अब के मतलब जिससे भी कटाया हो कोई टेंशन नहीं है, क्या लगा दिया इसमें के, इसमें भी क्या लगा दिया के, तब सब जगह के दिखने लगे, क्या दिखने लगेगा के दिखेगा सब में आ जाएगा के। और सबसे के कॉमन निकल जाएगा तब दिखेगा 7x²-28x+3 ओरिजिनल आंसर ये होगा। लेकिन इस कंसेप्ट के साथ आपके ऑप्शन में नहीं रहेगा, आपके ऑप्शन में केवल सिंपल वाला रहेगा जो फर्स्ट में बताया, समझ गए? यस सर। एग्जांपल और क्वेश्चन आपके पास दिया रहेगा कि यदि किसी दुकान के ऊपर शून्यकों का योग है √2 और शून्यकों का गुणनफल है 1/3, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें या द्विघात समीकरण ज्ञात करें, कुछ भी कर देगा दोनों निकल जाएगा। समीकरण के अगर बराबर 0 खाली लगा के आगे बढ़ जाएगा, और क्या देखिए द्विघात बहुपद निकालने कहेगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है क्या चीज भाई, दिया है अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया है √2, नीचे 1 पर कटता है तो आगे कुछ अभी नहीं करेंगे, फिर इसको लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, कितना दिया है। अब इस हर बराबर है नहीं, जैसे नहीं है पहले हर बराबर करना है, पहले क्या करेंगे तो इसको हम 3/3 से गुणा कर देंगे, अब दिखेगा 3√2/3 और यहाँ 1/3 आ गया, ठीक ना। अब मैं बताया एक हायर कंसेप्ट, हो सकता है दोनों को समान चीज से कटाया हो तो के लगा दो और के लेके आगे बढ़ा दो, के को मन निकलेगा वो उत्तर, लेकिन उस टाइप का आपके ऑप्शन में नहीं रहेगा, बात समझे ना, क्योंकि वो हायर कंसेप्ट हुआ। लोअर कंसेप्ट बता रहा है क्या, मोलो का एफ बराबर क्या होता है -3/a और मोलो का गुणनफल बराबर c/a, मतलब यहाँ सब मान ले सकते हैं, इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा 3। और हायर कंसेप्ट बताता है खाली 3 नहीं ले सकते, 3k लिखना होगा, क्योंकि हो सकता है किसी से कटाया हो, बात मुझे यस सर, तो k लगा। b का मान कितना होगा, b का मान -b बराबर इतना था, b बराबर माइनस इतना, b बराबर -3√2 और c बराबर 1k, बात समझिएगा जरा। इसलिए द्विघात बहुपद कितना होगा, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर ax²+bx+c, अर्थात एक मान 3ax²- में यहाँ चुके है माइनस आ जाएगा ना, 3√2ax+c का मान के। अब चाहेंगे कि क्या कॉमन निकालो, 3x²-3√2x+1 मरें बचेगा, अरे 1 के है 1 हम साइलेंट कर दिए, अब कोई टेंशन नहीं, तुरंत कहना लगा ये सब कुछ नहीं है, तो द्विघात बहुपद बराबर ये आया। अब आपके परीक्षा में यही तक रहेगा, ये तो के समझ नहीं क्या हुआ रहेगा, लेकिन शुद्ध रूप ये है, बात बुझे, क्योंकि यहाँ प्रश्न चिन्ह रेहान बाबू खड़ा कर सकता था कि सर 3/4 बराबर अगर a/b है तो a को हम 3 और b को 4 कहना ये सही नहीं है, अगर नॉलेज रियल उनका ब्रॉड होगा मैथ के प्रति तो वो तुरंत खड़ा कर देगा क्वेश्चन, और करना भी चाहिए ना, कि आप यहां तो कटा भी हो सकता है ना, हो सकता है इसको 30/40 पहले से होगा 10 चौके करके लिखा हो, तो आप एक अमन ओरिजिनल 3 कैसे कर सकते हैं, 30 भी तो सकता है, 3 * 27, 4 * 36, 1 * 27 भी तो हो सकता है, 1 * 36 भी तो हो सकता है, और वो खरबों संभावना यहाँ बन जाएगा, बनेगा कि नहीं,
इसीलिए हम के ठीक छो बेटा जब थीस कटेल और मान ले केस कटेल और समझ के थोपी ना थोप दिए सबके पास के क्या क्या के क्या के उत्तर निकलेगा के क्या हवा उत्तर रहेगा के बगल में पड़ा रहेगा तो कुछ पकड़ और क्या होगा तो उत्तर यही होगा मान लीजिए अगर के नहीं लगाते सीधे ये दिखेगा समझ में आ गया यस सर। अब आपका प्रश्नावली 2.2 में दुर्रा उड़ गया होगा ठीक ना आप उसको उल्टा के देखेगा जो जो क्वेश्चन दिया है सब बन जाएगा ठीक ना और अगर नहीं बनेगा तो संबंधित प्रश्न नेक्स्ट डे ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।